हिमाचल प्रदेश में पिछले दो दिन से जारी लगातार बारिश ने अब सर्दी की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। ये तस्वीरें आप 15,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित बारलाचा दर्रे की देख रही हैं, जो लाहौल स्पीति और लेह को आपस में जोड़ने वाला सीमांत पॉइंट है। ये ताज़ा बर्फबारी आज सुबह सुबह की हुई है और ये सीजन की पहली बर्फबारी है। अभी अगर मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि दो जिले जिनमें लाहौल स्पीति और किन्नौर भी आता है उसके ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। ये तस्वीरें आप बारलाचा दर्रे की देख रहे हैं। अगर आप मनाली ले सड़क पर जाएं तो हिमाचल प्रदेश की ओर से लाहौल स्पीति जिले का ये आखिरी पॉइंट है और इसके आगे ले वाला जो हिस्सा है वो शुरू हो जाता है। सुबह सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हल्की बर्फबारी यहाँ हुई है। हालांकि जो यातायात है वो अभी उतना प्रभावित नहीं है, बंद नहीं हुआ है। टूरिज़्म की जो बस हिमाचल टूरिज़्म की मनाली दिल्ली आती है, दिल्ली ले आती है, वो ज़रूर बंद कर दी गई है। लेकिन HRTC की जो बस इस रोड पे दिल्ली ले चलती है, जो सबसे लंबा रूट भी है HRTC का, वो अभी भी चल रहा है। आप पर्यटकों को भी आनंद लेते हुए देख सकते हैं। ये ले आने जाने वाले पर्यटक हैं जो हल्की बर्फबारी देखकर जो है रास्ते में रुके हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। मौसम की पहली बर्फबारी और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में आधिकारिक रूप से सर्दी की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश में पिछले दो दिन से जारी लगातार बारिश ने अब सर्दी की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। ये तस्वीरें आप 15,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित बारलाचा दर्रे की देख रही हैं, जो लाहौल स्पीति और लेह को आपस में जोड़ने वाला सीमांत पॉइंट है। ये ताज़ा बर्फबारी आज सुबह सुबह की हुई है और ये सीजन की पहली बर्फबारी है। अभी अगर मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि दो जिले जिनमें लाहौल स्पीति और किन्नौर भी आता है उसके ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। ये तस्वीरें आप बारलाचा दर्रे की देख रहे हैं। अगर आप मनाली ले सड़क पर जाएं तो हिमाचल प्रदेश की ओर से लाहौल स्पीति जिले का ये आखिरी पॉइंट है और इसके आगे ले वाला जो हिस्सा है वो शुरू हो जाता है। सुबह सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हल्की बर्फबारी यहाँ हुई है। हालांकि जो यातायात है वो अभी उतना प्रभावित नहीं है, बंद नहीं हुआ है। टूरिज़्म की जो बस हिमाचल टूरिज़्म की मनाली दिल्ली आती है, दिल्ली ले आती है, वो ज़रूर बंद कर दी गई है। लेकिन HRTC की जो बस इस रोड पे दिल्ली ले चलती है, जो सबसे लंबा रूट भी है HRTC का, वो अभी भी चल रहा है। आप पर्यटकों को भी आनंद लेते हुए देख सकते हैं। ये ले आने जाने वाले पर्यटक हैं जो हल्की बर्फबारी देखकर जो है रास्ते में रुके हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। मौसम की पहली बर्फबारी और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में आधिकारिक रूप से सर्दी की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश में पिछले दो दिन से जारी लगातार बारिश ने अब सर्दी की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। ये तस्वीरें आप 15,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित बारलाचा दर्रे की देख रही हैं, जो लाहौल स्पीति और लेह को आपस में जोड़ने वाला सीमांत पॉइंट है। ये ताज़ा बर्फबारी आज सुबह सुबह की हुई है और ये सीजन की पहली बर्फबारी है। अभी अगर मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि दो जिले जिनमें लाहौल स्पीति और किन्नौर भी आता है उसके ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। ये तस्वीरें आप बारलाचा दर्रे की देख रहे हैं। अगर आप मनाली ले सड़क पर जाएं तो हिमाचल प्रदेश की ओर से लाहौल स्पीति जिले का ये आखिरी पॉइंट है और इसके आगे ले वाला जो हिस्सा है वो शुरू हो जाता है। सुबह सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हल्की बर्फबारी यहाँ हुई है। हालांकि जो यातायात है वो अभी उतना प्रभावित नहीं है, बंद नहीं हुआ है। टूरिज़्म की जो बस हिमाचल टूरिज़्म की मनाली दिल्ली आती है, दिल्ली ले आती है।